गोस्थानों की चर्चा पाठशाला में चल रही है। अभी तक हमने मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि के तीन गुणस्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, अवृत सम्यक दृष्टि का एक चौथा गुणस्थान, देशवृत्ति का पांचवा गुणस्थान और मुनि महाराजों के छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थान तक की चर्चा की। बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में वे मुनि महाराज अपने ध्यान के बल से मोहिनी कर्म का नाश पहले हो चुका था, अब शेष तीन घातिया कर्मों का और नाश कर देते हैं और उनके नाश करते ही अरिहंत बन जाते हैं और उनका गुणस्थान तेरहवां हो जाता है। आज हम आपसे सिर्फ तेरहवें गुणस्थान की चर्चा करेंगे, तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि तेरहवें गुणस्थान वाले संयोग केवली का क्या स्वरूप होता है? संयोग और केवली, जिनको केवल ज्ञान हो गया हो वो केवली, और जो योग सहित है वे हुए संयोग। योग माने मन वचन काय की क्रिया के कारण जिनके आत्म प्रदेशों में अभी हलन चलन है, ऐसे होते हैं संयोग केवली। इनके बारे में अब विशेष समझते हैं। बारहवें गुणस्थान के अंत में तीन घातिया कर्मों का नाश और कर दिया, मोहिनी का नाश पहले हो गया था, अब चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया, अब वो जीव क्या बन गए? केवली। हम कहेंगे अरिहंत भगवान। उन अरिहंत भगवानों के चार घातिया कर्मों का नाश होने से अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावरणी का नाश हुआ, अनंत ज्ञान हो गया, दर्शनावरणी का नाश हुआ, अनंत दर्शन हुआ, मोहिनी का नाश होने से अनंत सुख हुआ और अंतराय कर्म का नाश होने से अनंत वीर्य, ये चार गुण प्रकट हो जाते हैं। डिटेल में देखें तो इन चार घातिया कर्मों के नाश होने से अनंत भगवान को मोक्षायक लब्धियां प्राप्त होती हैं। हम जब सकल ज्ञायक स्तुति पढ़ते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? नव केवल लब्धि रमा धरंत, हे भगवान आप नव केवल माने क्षायिक लब्धि रूपी लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। नव क्षायिक लब्धियां क्या होती हैं? जैसे ज्ञानावरणी कर्म का नाश हुआ तो क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरणी का नाश हुआ क्षायिक दर्शन, दर्शन मोहिनी का नाश हुआ क्षायिक सम्यक्त, चरित्र मोहिनी का नाश हुआ क्षायिक चरित्र, अंतराय कर्म के पांच भेद उनका नाश होने से क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, कुल मिला के नौ क्षायिक लब्धियों से जो युक्त होते हैं, इनके कितनी प्रकृतियों का नाश हो जाता है? हम बोलते हैं पूजा में कर्मन की 63 प्रकृति नाश। हे अनंत भगवान आप कैसे हैं कि आपने चार घातिया कर्मों की 47, आयु कर्म की 3 और नाम कर्म की 13, इस तरह कुल मिला के तीन कर्मों की या कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश होने से आप अनंत भगवान बने हैं। कुल प्रकृतियां होती हैं 148, उसमें से हमने 63 घटाई तो जिनके आप कर्मों की प्रकृतियों में मात्र 85 प्रकृति शेष रह गई है, उन्हें हम कहते हैं अरहंत भगवान या संयोग केवली। संयोग केवली भगवान के रत्नत्र की पूर्णता तो हो गई, तो फिर इन्हें अभी मोक्ष क्यों नहीं हुआ? अभी मोक्ष में कुछ अन्य साधनों की कमी है, जैसे अभी आयु कर्म शेष है। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है तप के द्वारा जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। केवली भगवान चाहे कि हम ध्यान के द्वारा आयु कर्म को नष्ट कर दें, आयु कर्म नष्ट नहीं होता, इसलिए हम मानते हैं आपकी बात ठीक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और ये तीनों हो गए पूरे, मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। अब मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष तो हो जाएगा, योग्यता है, लेकिन अभी जितना आयु कर्म शेष है उतने काल तक अभी संसार में रहना ही होगा।
इसलिए रत्नत्रय की पूर्णता होने पर भी आयु कर्म शेष रहने के कारण अभी अरहंत भगवान को मोक्ष नहीं हो रहा है। तो ये अरहंत भगवान सैनिक है या असैनिक? सैनिक वो होते हैं जिनके मन संबंधी मत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। इनके मन संबंधी मत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का प्रश्न है ही नहीं, इन्होंने तो ज्ञानावरणी कर्म का नाश ही कर लिया। इसलिए मन से जानने वाली शक्ति इनके प्रकट नहीं होती, इसलिए सैनी नहीं है। असैनी होते हैं एक इंद्रियाधिक जीव, इसलिए ये असैनी भी नहीं है। तो अगर इनको हम क्या माने, ये ना सैनी है ना असैनी है, ये तो केवली भगवान है, ऐसी मान्यता बनाना चाहिए। तो क्या इनके द्रव्य मन और भाव मन दोनों ही नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य मन तो होता है पर भाव मन नहीं होता। भाव मन आत्मा का वो परिणाम है जो मन संबंधी नौ इंद्रिया वरण जो ज्ञानावरण का भेद है उसके क्षयोक्षम से प्राप्त होता है। वो आत्मा की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति का नाम भाव मन है, वो इनके नहीं है। लेकिन द्रव्य मन जो आठ पापड़ी का कमल हृदय के पास होता है वो द्रव्य मन तो उनके होता है, अर्थात इनके द्रव्य मन है भाव मन नहीं। तो इससे तो हम ये समझें कि उनके मनोयोग तो होता ही नहीं। क्या उनके सिर्फ कार्योग और वचन योग ही होता है, मनोयोग है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। केवली भगवान के तीनों योग होते हैं। क्यों? द्रव्य मन है तो द्रव्य मन होने के कारण मनोवर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, मनोवर्गणाओं का ग्रहण है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है। वचन योग, दिव्य ध्वनि होती है, वचन योग होता है, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, विहार करते हैं, काय योग है। तो तेरहवें गुण स्थान में संयोग केवली के तीनों योग पाए जाते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो क्या संयोग केवली के आश्रय बंद होता ही नहीं? क्या नहीं होता है? होता है, क्योंकि मन वचन काय के हलचरण है, योग है, आश्रम है। कर्म आएंगे पर कौन सा कर्म आएगा? सिर्फ सातावेदनी। एक ही कर्म का आश्रय होता है, उसी का बंद होता है, बंद भी एक समय वाला होता है। इसलिए केवली भगवान के सातावेदनी का आश्रय और बंद है, अन्य कर्मों का नहीं। अब इन केवली भगवान को संसार से तो कोई लेना देना नहीं रहा, तो हम इन्हें संसारी मानेंगे या मुक्त मानेंगे? अच्छा ये बताओ, अभी वो संसार में है या नहीं? है। अच्छा उनके चार घातियां कर्म है या नहीं? है। तो मुक्त कैसे मानोगे? मोक्ष दो प्रकार का होता है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। चार घातियां कर्मों के नाश होने से उनके भाव मोक्ष तो हो गया, लेकिन अभी चार अघातियां कर्म मौजूद है, इसलिए अभी द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ। आचार्यों ने इनको क्या कहा? ये जीवन मुक्त होते हैं। अर्थात मुक्त दो प्रकार के, एक कर्म मुक्त, एक जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब जन्म मरण इनका समाप्त हो गया। अच्छा। अब पुनः जन्म इनका नहीं होगा, इसलिए मोक्ष ही जाना है। हाँ, इसलिए ये जीवन मुक्त हैं, पर अभी पूर्ण मुक्त नहीं। श्लोक वार्तिककार ने बहुत अच्छा लिखा, श्लोक वार्तिककार ने लिखा, ये संसार में रहते हुए भी नो संसारी हैं, लेकिन अभी मुक्त नहीं। जब तक कर्म लगा है तब तक मुक्त जीव की परिभाषा में नहीं आएगी। शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि केवली भगवान का शरीर परमोदारिक होता है, तो परमोदारिक से क्या तात्पर्य है? परमोदारिक का मतलब है इनके शरीर में अब अन्य निगोदिया त्रस आदि कोई भी जीव नहीं है, अब इनका शरीर अन्य जीवों से रहित शुद्ध है। दूसरी बात इससे ये हुआ, शरीर में धातु तो है। कुछ लोग ये कहते हैं इनके शरीर में धातु नहीं होती, अगर धातु नहीं होगी तो उठना, बैठना, चलना, विहार करना ये कैसे होगा? तो शरीर में अस्थि मज्जा आदि है, लेकिन इनके होने के बावजूद भी इनके शरीर में एक तो निगोदिया नहीं है, दूसरी बात जो सात धातु है वो अशुद्ध धातुओं का अभाव है, इसलिए इनका शरीर औदारिक होते हुए भी परम औदारिक है।
तो इसकी परछाई पड़ती है यानी इनके शरीर में कितनी कांति होती है जितनी करोड़ों सूर्यों में भी नहीं होती। इतनी कांति होने के कारण इनके शरीर की परछाई कैसे पड़ सकती है? स्वयं प्रकाशमान जो वस्तु होती है ना उसकी परछाई नहीं पड़ती। मोमबत्ती की लौ है, क्या इस लौ की परछाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये करोड़ों सूर्य चंद्रमा जैसी कांति वाला शरीर है, इसकी परछाई नहीं पड़ती। तो केवली भगवान के परमाधारित शरीर है, शरीर है तो आहार की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन वो तो आहार लेते नहीं, फिर वो कैसे उनका शरीर बना रहता है? देखो, भूख लगती है असाता वेदनी के उदय से। असाता वेदनी काम करता है मोहनी कर्म के कारण। मोहनी कर्म का कारण समाप्त हो गया और असाता वेदनी के फल देने की शक्ति भी लगभग शून्य के बराबर हो गई, बहुत कम, मिनिमम। इसलिए अब भूख लगने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। दूसरी बात, इनकी बात तो छोड़िए, जितने गंधर्व होते हैं ना वो सर्वकाल उपवासी होते हैं। भगवान आदिनाथ के साथ अगर मान लो वृषभ देव, जो वृषभ सेन गंधर्व थे, मान लो 10 करोड़ वर्ष तक रहे, क्या वो आहार के लिए उठे? नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनके पास एक दीप्त नाम की रिद्धि होती है, दीप्तम चतप्तम च तथा महोग्रम। दीप्त नाम की रिद्धि का क्या काम होता है? आहार ना लें, उपवास करें, फिर भी कितने दिन का उपवास करें, शरीर की कांति बढ़ती जाए। अच्छा। ये उस तपस्या का प्रभाव होता है। तो जब गंधर्व ये आहार नहीं लेते तब केवली की तो बात ही क्या है। और दूसरी बात बताएं, हम और आप आहार क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में निगोदिया जी बहुत, एक इंद्री, इसके अलावा त्रस जीव कीड़े बहुत, बहुत सारे बैक्टीरिया भरे पड़े शरीर में। अब वो बैक्टीरिया हमारे शरीर का कुछ न कुछ पार्ट भक्षण करते हैं, कुछ तो खाएंगे, वो खाएंगे तो हमारी बॉडी डेप्रिसिएट होगी, होगी कि नहीं? होगी। तो जब डेप्रिसिएट होगी तो उसे अप्रिसिएट करने के लिए हम इसमें ऊपर से भोजन डालते हैं। अब केवली भगवान के शरीर में अन्य कोई जीव रहा नहीं, अब डेप्रिशिएट या कमी होने का कोई प्रश्न उठता नहीं, तो ऊपर से और भोजन डालने की चर्चा आती। जो श्वेतांबर भाई हैं वो ऐसा कहते हैं, केवली भगवान आहार करते हैं, इसका मतलब उनको भूख लगती है। हम उनसे प्रश्न करेंगे, आप कहते हैं केवली भगवान के 18 दोष नहीं होते? कहते हैं कि नहीं? हाँ। जीते 18 दोष राशि, हे भगवान आपने 18 दोषों को जीत लिया। अब जब आपके 18 दोष नहीं आते तो पहला दोष है क्षुधा, आपकी भूख नहीं, आपके भगवान को भूख लगती है तो 18 दोष कहाँ गए? फिर भूख लगती है तो प्यास भी आती होगी, तो फिर प्यास भी लगती है तो दूसरा तृषा, वो दोष फिर उनमें पाया गया, फिर उनमें 18 दोष रहित कहाँ हो गए? फिर तो अहम परिवेष्टि रह ही नहीं सकते। इसलिए कर्म उदय के अनुसार भी, शरीर की पोजीशन के अनुसार भी केवली भगवान को आहार लेने की कभी आवश्यकता नहीं होती, चाहे उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष तक भी रहना पड़े तो भी आपत्ति नहीं। तो क्या केवली भगवान के भी प्रकार होते हैं? क्यों नहीं होते, प्रकार हर चीज के होते हैं। जैसे केवली भगवान 9 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य केवली जैसे बाहुबली भगवान, एक अंतर्कृत केवली, एक उपसर्ग केवली, एक मूक केवली, 2 कल्याणक वाली केवली, 3 कल्याणक वाली केवली, 5 कल्याणक वाली केवली, समुद्घात करने वाली केवली, इस तरह कुल मिलाकर 9 प्रकार की केवली हुई। 9वां भेद अयोग केवली और जोड़ लेना। जरा इनका स्वरूप 2 मिनट में देख लेते हैं। सामान्य केवली जैसे बाहुबली भगवान या जैसे महाराजा भरत या रामचंद्र जी, उनको केवल ज्ञान हुआ, सामान्य केवली। मतलब जो 63 सलाखा पुरुष है सामान्य? सलाखा पुरुषों को इसमें मत जोड़ो। जिन जीवों ने, मान लो अंजन चोर था, उसने 4 घातिया कर्मों का नाश किया, केवली बन गया सामान्य केवली।
अच्छा दूसरा अंतःकृत के भी ये वो होते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, शरीर नष्ट हो गया और नष्ट होने के साथ साथ केवल ज्ञान भी हुआ और मोक्ष हो गया इमीडिएटली। अंतःकृत के भी उपसर्ग के भी वो होते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, शरीर घात नहीं हुआ, उपसर्ग जीत के जो केवली बने। अच्छा। जैसे कुलभूषण देशभूषण महाराज कुंथलगिरी से मोक्ष पधारे, ये वो उपसर्ग केवली। एक होते हैं मूक केवली। मूक केवली वो होते हैं जो केवली तो बन जाते हैं फिर भी जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। दिव्य ध्वनि इनकी क्यों नहीं खिरती? आचार्य श्री ने एक बार इस बारे में बताया था, जो मुनि महाराज मुनि बनने के समय ये नियम ले लेते हैं कि मैं जीवन पर्यंत मौन से रहूंगा, ऐसे जीव जब केवली भी बन जाए तब भी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। ये हुए मूक केवली। वैदिक क्षेत्र में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके मात्र दो कल्याणक होते हैं, अर्थात जिन्होंने मुनि अवस्था प्राप्त करने के बाद 16 कारण भावनाएं भाई और जिनके मात्र ज्ञान और मोक्ष कल्याणक हुआ। दो कल्याणक वाले तीर्थंकर, जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में 16 कारण भावना भाई वो होते हैं तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर कौन से होते हैं? जैसे भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, इनके पांचों कल्याणक हुए। एक होते हैं समुद्घात केवली, जो केवली समुद्घात करते हैं, समुद्घात करके बचे हुए कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त करते हैं और बाद में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वे समुद्घात केवली। और जो चौदहवें गुण स्थान वाले योग रहित केवली होते हैं उन्हें हम कहते हैं अयोग केवली। इस प्रकार केवली 9 प्रकार के होते हैं, इनमें अयोग केवली 1, संयोग केवली के 8 भेद होते हैं। केवली भगवान के मोहनी कर्म का नाश हो गया, इसका मतलब इच्छा का भी अभाव हो गया, तो फिर वो विहार क्यों करते हैं, वो उपदेश क्यों देते हैं? केवली भगवान के उपदेश देने या विहार करने की इच्छा नहीं होती। हम एक स्तुति पढ़ते हैं सकल गे ज्ञायक तदपि, उसमें पंक्ति आती है भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि वे सुनि विभ्रम नशाय। अर्थात हे भगवान, भव्य जीवों के भाग्य से भवि भागन और वच जोगे वशाय वचन योग के वश से आपकी दिव्य ध्वनि होती है, जिसको सुनकर जीवों के मिथ्यात्व का नाश होता है। तो भगवान की इच्छा नहीं होती, भव्यों के भाग्य से दिव्य ध्वनि स्वयमेव खिरती है। भगवान नहीं चाहते मैं उपदेश करूं, अगर उपदेश करने का होगा तो इच्छा हो जाएगी, नहीं करते। भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा अब यहाँ बहुत दिन हो गए, यहाँ से अब विहार करूं। लेकिन जिन जीवों के स्थानों का भाग्य तेज होता है उसके कारण भगवान स्वयं अपने आप ही विहार करते हैं, इच्छा पूर्वक विहार उनका नहीं होता। इसलिए आचार्य कुंद ने लिखा है उनका चलना बैठना उठना और दिव्य ध्वनि आदि होना ये सब कर्म के उदय के कारण होते हैं, उनकी इच्छा से नहीं होती, किसी और के कर्म के उदय के कारण। हाँ, अन्य के पुण्य के कारण ऐसा होता है। आचार्य का अब विहार किधर होगा? जहाँ के जीवों का पुण्य तेज होगा। जहाँ के जीवों का पुण्य नहीं है वहाँ महाराज नहीं रुकेंगे, महाराज की इच्छा थोड़ी होती है। इसी तरह भगवान का उपदेश या दिव्य ध्वनि जो खेलती है वो किस भाषा में होती है? कुछ लोग कहते हैं भाषा रूप नहीं होती, अभाषा रूप होती है, शब्द रूप नहीं होती, अशब्द रूप होती है, ऐसा नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि भाषा अभाषा मिक्स होती है। अर्थात वो कैसे होती है? जब वो भगवान के मुख से निकलती है तब तो लगती है अभाषा रूप हो, और जब कान में पड़ती है तो विषय को समझाने वाली होने के कारण वह भाषा रूप परिवर्तन करती है। तो क्या उनके होठों में स्पंदन होता है? नहीं, वो अब कुछ लोग कहते हैं कि दिव्य ध्वनि सारे शरीर से होती है, सर्वांग से। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। यहाँ से कभी वचन नहीं निकलते, निकलते तो यहीं से हैं लेकिन स्पंदन नहीं होता।
उनके मुख होंठ जीभ वगैरह हिलती नहीं, लेकिन शब्द बराबर निकलते हैं। अगर शब्द नहीं होंगे तो विषय का प्रतिपादन कैसे हो? तो भगवान के दिव्य ध्वनि खेलने का कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या पर्टिकुलर ड्यूरेशन कितनी बार हो सकती है? जितने तीर्थंकर भगवान होते हैं इनकी दिव्य ध्वनि, आचार्यों के दो मत हैं इस बारे में, कुछ कहते हैं दिन में 3 बार, कुछ कहते हैं 4 बार। 3 बार का मतलब सुबह, दोपहर और शाम। 4 बार जो कहते हैं वो कहते हैं सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। कितनी देर होती है? 6-6 घड़ी। 6-6 घड़ी का, 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, लगभग 144 मिनट का मतलब लगभग 2.5 घंटे। 2.5 घंटे जब सुबह 6 बजे करी, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 12 बजे। आप कहेंगे रात्रि में भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, संसरण में दिन रात होता ही नहीं, वहां दिन रात का भेद ही नहीं होता। वहां जो लोग समाचरण में रहते हैं उनको नींद नहीं आती, चाहे वो 10 महीने बैठे रहे, 10 वर्ष बैठे, वहां रात्रि नहीं होती। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार या 4 बार होती है, 6-6 घड़ी होने का विधान है। और इसीलिए कहा गया है कि दिव्य ध्वनि के काल में आत्म चिंतन रूप सामायिक करो, स्वाध्याय मत करो। कहते हैं कि जितने मुनि महाराज होते हैं उनसे कहते हैं ये स्वाध्याय का काल नहीं, हमारे लिए नहीं, मुनियों के लिए ये सामायिक का काल है। क्यों? इस समय भगवान की दिव्य ध्वनि वहां विदेह क्षेत्र में खेल रही होगी तो चारों ओर का वातावरण बहुत अच्छा है, इसलिए ये सामायिक का काल सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि 12 बजे माना जाए। तो क्या तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के लिए गंधर्व महाराज का उपस्थित होना अनिवार्य है? हाँ अनिवार्य है, बस इसमें एक ऑप्शन, एक छूट है। छूट ये है भगवान की सबसे पहली दिव्य ध्वनि, भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो पहली दिव्य ध्वनि कब होगी? जब गंधर्व बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में समव शरण में उपस्थित होगा। भगवान की पहली दिव्य ध्वनि उसकी उपस्थिति में हुई और पहली दिव्य ध्वनि होने के बाद वह मनुष्य वही दीक्षा लेगा, दीक्षा लेने के बाद उसको 4 ज्ञान हो जाएंगे और गंधर्व बनेगा। तो दूसरी दिव्य ध्वनि उसके गंधर्व बनने के बाद होगी, अर्थात पहली दिव्य ध्वनि सभी तीर्थंकरों की गंधर्व के बनने की योग्यता रखने वाले की उपस्थिति में होगी और शेष दिव्य ध्वनि गंधर्व बनने के बाद होती। तो क्या हम ये माने कि सामान्य केवलियों के गंधर्व होते ही नहीं, सिर्फ तीर्थंकर भगवान के ही होते हैं? हाँ बिल्कुल, मानना ठीक है। सामान्य केवली का जो उपदेश होता है वो देश भाषा में होता है, लोकल लैंग्वेज में होता है, फिर भी उनके बीजाक्षरों को समझने के लिए वहां उपस्थित जो बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं वो समझ के लोगों को समझाते हैं, पर उनके गंधर्व नहीं होते। समो शरण में भगवान के कौन सा ध्यान होता है? जब तक भगवान समो शरण में है उनके कोई ध्यान नहीं होता। वो ध्यान रहित क्यों होते हैं? इसकी वजह ये है, ध्यान होता है अपने चिंतन को एक वस्तु पर अगर हम ले आए, एकाग्र कर ले, उसे कहते हैं ध्यान। भगवान को अपने ज्ञान में सारा विश्व दिखाई पड़ता है, वो अपने मन को एकाग्र कैसे करें? इसलिए समक्ष शरण में जब तक भगवान विराजमान है उनके कोई ध्यान नहीं होता। जब 13वें गुरुस्थान का अंतिम अंतर मुहूर्त होता है तब उनके 3रा शुक्ल ध्यान होता है, शेष समय में उनके कोई ध्यान नहीं। ऐसा सुनने में आता है कि केवली भगवान का केवल ज्ञान होते ही शरीर ऊपर उठ जाता है, तो क्या ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल ठीक, सही सुना है। तो कितना ऊपर उठता? केवली भगवान कोई भी मुनि महाराज है, उन्होंने ध्यान लगाया, 4 घातीय कर्मों को नाश किया, 13वें गुरुस्थान में आए, केवली बने। केवली बनते ही उनका शरीर 5000 धनुष, 1 धनुष माने 6 फीट मतलब 30,000 फीट ऊंचा अपने आप चला जाता है। तब फिर कुबेर आता है, जहां भगवान विराजमान होते हैं उसके अनुसार समव शरण की रचना करता है।
जितने भी केवली चाहे सामान्य केवली हो या तीर्थंकर केवली हो, सबका शरीर केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर उठ जाया करता है। अब इस चर्चा में एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या मुख केवली के भी समुशरण की रचना होती है या गंधकुटी की रचना होती है? देखो, तीर्थंकर कभी मुख नहीं होते, समुशरण केवल तीर्थंकरों का बनता है। सामान्य केवलियों की मात्र गंधकुटी होती है, लेकिन मुख केवली की गंधकुटी भी नहीं होती। तो फिर वो जब उनका शरीर वे केवल जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। हमने आचार्य जी को पूछा था, हमने कहा महाराज मुख केवली का क्या होता है, तो बोले वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। 5000 धनुष ऊपर नहीं, आज हमने पूरे कार्यक्रम में 13वें स्थानवर्ती सयोग केवली अरहंत भगवान की चर्चा की। हम इतने भाग्यशाली नहीं जो हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। अगर हम भाग्यशाली होते तो यहाँ भरत क्षेत्र पंचम काल में पैदा ही क्यों होते? अगर हम भाग्यशाली होते तो हम विदय क्षेत्र में पैदा होते और 13वें स्थानवर्ती शिवंदर भगवान जो विराजमान है समक्षरण में, उनके साक्षात दर्शन करते और उपदेश सुनते। फिर भी खैर कोई बात नहीं, अन्य परमेष्ठी तो मौजूद हैं और जिनवाणी तो हमें मार्गदर्शन करने वाली है। हम भावना पाए, हे भगवान, जब तक हमें केवल ज्ञान प्राप्त ना हो, जब तक हमें 13वां गुण स्थान न मिले, तब तक हमें जन्म जन्म में शिवंदराज 20 तीर्थंकर भगवानों का दर्शन मिले, उपदेश मिले, उनका उपदेश सुनकर हम निरंतर दीक्षा मुनि दीक्षा धारण करें और हम भी केवल ज्ञान प्राप्त कर 13वां गुण स्थान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करें। आप सबको भी ऐसी भावना होगी कि हम सबको भगवान तो बनना ही है, 13वां गुण स्थान हम सबको भी होने, इसी भावना के साथ आइए। जय।